Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. If anyone is new, then hi, my name is Aarti and do watch my video till the end. अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो obviously. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मे बी आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो बाकी के जो मेरे वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं वो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे. सो बिना किसी देरी के हमारा ये वीडियो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ टॉप्स है मेरे पास में, कुछ कुर्तीज है, कुछ टॉप्स है एंड कुछ प्लाजो है जो कि मैंने लिए थे मीशो से. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने लिए थे एंड इट इज नॉट माई रिसेंट परचेस, बट कुछ मेरे पास है जो कि मैंने 2 ईयर्स पहले भी लिए थे, कुछ लास्ट ईयर लिए थे, कुछ अब मैंने लिए है. सो जस्ट मैं मेरे रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज यू कैन से, मैं उनको शेयर करने वाली हूँ कि ये कैसे मिले थे, साइट पे मुझे कैसा शो हुआ वो आपको स्क्रीन पे एक बाजू में दिख जाएगा एंड प्राइस भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी. कोड्स वगैरह भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे हमारे पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें दे रखा है. काफी लोगों को पता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, बट नीचे आपको कहीं ना एरो दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको इजिली दिख जाएगा. सो वहां पर आप मीशो, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस ये जो मैंने आइटम्स मेरे पास है उनको मीशो पे एक्चुअली कोड्स होते हैं, सो उनका कोड्स वगैरह आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे. सो वीडियो पूरा देखने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा चेक कर सकते हो एंड जस्ट हाँ इतना ही मुझे बताना था कि ये सब चीज मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो अब वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा कुछ मुझे मिला एंड कैसा मुझे शो हो रहा था. ओके सो जो फर्स्ट क्लोथिंग आइटम मेरे पास है वो है एक प्लाजो जो कि जस्ट ₹360 में मैंने लिया था एंड एक्चुअली ये 2 ईयर्स पहले मैंने लिया था. सो इसकी जो अब करंट प्राइस होगी ना वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सो आपको पता चल जाएगा कि इसकी करंट प्राइस क्या है. सो ये है रेड कलर का प्लाजो एंड इसके ऊपर ना आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको प्रिंट मिलेगा जो कि मे बी वॉश करने पर निकल सकता है, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती आपको. एंड इसकी हाइट, इस प्लाजो की काफी अच्छी हाइट एक्चुअली इस प्लाजो की देखिए. सो इतनी आपको हाइट मिलेगी जो कि आई डोंट नो मैं इसको मेजर करके आपको बता पाऊंगी या नहीं, बट अगर मैंने इसको मेजर किया ना इसकी हाइट जो भी होगी ना लेंथ वो मैं स्क्रीन पे यहां पर मेंशन कर दूंगी, सो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई अपने हाइट के हिसाब से आने वाला है या नहीं. सो कुछ इस टाइप की इसकी हाइट है. इसका जो फ्लेयर है वो भी काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका फ्लेयर है जो कि अच्छा लगता है वेयर करने पर. एंड देन ऊपर की साइड में आपको ऐसे इलास्टिक मिल जाएगा एंड टाई अप करने के लिए आपको नॉट वगैरह मिल जाएगी, दोरी मिल जाएगी इसमें. एंड जो भी इसका प्राइस होगा, जो भी इसका ओरिजिनल पिक जो कि मुझे मीशो पे दिखाया हुआ था वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर ही दूंगी, आपने देख ही लिया होगा उसको. सो ये था हमारा फर्स्ट आइटम जो कि जस्ट ₹360 में मैंने इसको लिया था. सो जो सेकेंड आइटम मेरे पास है वो एक्चुअली कॉम्बो है, अगेन ये प्लाजो ही है, दो मेरे पास मतलब एक कॉम्बो इसका दो का सेट है ये. सो ये जस्ट मुझे मिला था आई थिंक सो ₹350 में, जब मैंने इसको बाय किया था तब ये मुझे ₹350 में मिला था, कुछ इस टाइप का है देखिए, एक ब्लैक में और एक व्हाइट में. सो मैं आपको व्हाइट वाला ओपन करके दिखाती हूँ. इसमें ऊपर के साइड में अगेन आपको इलास्टिक मिल जाएगा एंड अगेन टाइप करने के लिए आपको दोरी मिल जाएगी, कुछ इस टाइप का पूरे प्लाजो पे आपको प्रिंट मिलेगा देखिए. एंड ये प्योर कॉटन वाला मटेरियल है इसका, इसका कोई भी ब्लेंड वगैरह नहीं बोलूंगी मैं इसमें, प्योर कॉटन मटेरियल है. कुछ इस टाइप का इसका बॉटम साइड में जो देखेंगे आप, कुछ इस टाइप का है इसका बॉटम जो कि अगेन ये प्रिंटेड है एंड आई डोंट थिंक सो ये ना वॉश करने पे निकलने वाला है, नहीं ये प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का प्रिंट है. सो इसकी भी लेंथ ना काफी अच्छी है, जो भी लेंथ वगैरह होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सेम ऐसा ही ये ब्लैक वाला है, जस्ट उसका जो प्रिंट है वो व्हाइट कलर में आपको मिलेगा. सो कुछ इस टाइप का ये ब्लैक वाला लगेगा एक्चुअली ना. ये वाले जो प्लाजो है ना ये दो, ये डेली वेयर के हिसाब से ना काफी ज्यादा अच्छे है, डेली वेयर में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा एंड समर्स में तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको ना ऐसे चिप चिप नहीं करेगा, किल नहीं करेगा बिल्कुल भी. सो कुछ इस टाइप का ये वाला प्लाजो है. सो ये जस्ट लिए थे मैंने ₹350 में, करंट प्राइस जो होगी वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी. सो जो नेक्स्ट पीस हमारे पास है ना वो एक्चुअली इस पूरे वीडियो का सबसे एक्सपेंसिव बोल सकते हो, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है बट इस पूरी वीडियो का ओवरऑल ये सबसे ज्यादा महंगा वाला कुर्ती आप बोल सकते हो, जो कि मैंने ली थी 500 के आसपास में. आई डोंट नो द करंट मीन्स एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रही है, बट 500 के आसपास में मैंने ये कुर्ती ली थी एंड अभी एट प्रेजेंट इसका प्राइस इसी रेंज में कहीं तो होगा. सो मेरे पास है ये वाली कुर्ती जो कि चिकनकारी कुर्ती है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी ये वाली.
कलर इसमें मैंने लिया है लेवेंडर। इसमें आपको काफी ज्यादा कलर मिलेंगे, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो कलर आप चाहो ना, एक्वा वगैरह बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे। मैंने इसको लेवेंडर कलर में लिया। सो एक्चुअली ये टू पीस में आपको मिलेगी। यहां पर आपको फर्स्ट जो इसका इनर है, ये आपको इनर मिलेगा इसमें। देखिए एकदम बेसिक सा, नो डिजाइन नो नथिंग, बेसिक सा इनर आपको मिलेगा, जिसकी लेंथ अगेन काफी अच्छी है, काफी मीन्स लॉन्ग आपको ये इनर मिल जाएगी। देन इसके बाहर से आप वेयर करोगे ये वाली कुर्ती, जो कि इस टाइप की है। इसका डिजाइन वगैरह आप देख सकते हो, काफी सुंदर लगा था मुझे ये। इसमें बहुत डिजाइन में भी काफी अलग अलग टाइप के आपको डिजाइन मिल जाएंगे। सो आपके अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आ रहा है ना, वो आप चेक कर सकते हो एंड वो बाय कर सकते हो। सो इसमें 500 के रेंज में भी थे, 300 के रेंज में भी आई थिंक सो थे, एंड कुछ थे जो कि 700 से ऊपर थे आई थिंक सो। ना एक न्यू वाला निकला है, उसमें ना अभी ये जो ऐसे थ्रेड वगैरह है ना, उसमें मिरर वर्क मिलेगा आपको, वो भी मैं काफी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा प्लान है वो वाली भी लेने का। सो इसमें आपको थ्रेड वर्क मिलेगा। सो आप इसका थ्रेड वर्क देख सकते हो, काफी क्लीन तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि कहीं कहीं से ना मुझे इसके थ्रेड्स वगैरह निकले हुए, ऐसे लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा ना ऐसे थ्रेड्स निकले हुए मिले, बट उनको आप ना घर पे कट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि 500 के रेंज में आपको चिकनकारी कुर्ती मिलना अच्छी बात है। एक्चुअली ये ज्यादा महंगा नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इसकी रेंज ना एक्चुअली इससे ज्यादा होती है, बट मीशो वाले हमें 500 के आसपास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट हम भी कर सकते हैं आई थिंक सो। सो कुछ इस टाइप की थी ये चिकनकारी कुर्ती। सो जो नेक्स्ट कुर्ती मेरे पास है ना, वो जस्ट ₹128 में मुझे मिली मीशो पे। सो मैंने जल्दी से मंगा ली, यू कैन से, एंड ये मैंने ली है मरून कलर में। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की कुर्ती है। इसमें अप साइड में ना आपको नेट का वर्क मिलेगा, जो कि इसकी स्लीव्स ना एक्चुअली 3/4 से शॉर्ट है, यहां तक के स्लीव्स आप इसके बोल सकते हो, जो कि एल्बो लेंथ हम बोलते हैं एक्चुअली। सो एल्बो लेंथ की इसके स्लीव्स है, राउंड नेक है इसका, एंड अपर मीन्स जो सामने की बाजू है, मीन्स फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको ये नेट का जो क्लॉथ है ना वो मिल जाएगा। एंड ये जो कुर्ती है पूरी प्लेन है, इसमें कोई भी ऐसी डिजाइन वगैरह नहीं है, पूरी प्लेन कुर्ती है। बट ना अगर आप इसको जीन्स वगैरह के साथ में वेयर करोगे या फिर प्रॉपर लेगिंग्स के साथ वेयर करोगे ना, तो काफी अच्छा लुक निकल के आ सकता है इस कुर्ती से भी। जस्ट ₹128 में आप काफी सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप की अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो ये क्रेप मटेरियल में है, इसका कॉटन वगैरह मैं नहीं बोलूंगी, ये क्रेप मटेरियल है, एंड एक्चुअली क्रेप मटेरियल ना काफी अच्छा चलता भी है। सो क्रेप मटेरियल में आपको ये कुर्ती मिलेगी जस्ट ₹128 में मीशो पे। सो अगर आपको ये पसंद आ रही है ना, तो इसको जो कोड मैं आपको स्क्रीन पे दूंगी ना, उस कोड को अगर आप मीशो पे जाके सर्च मारोगे तो आपको सेम कुर्ती दिखेगी वहां पर। आपका साइज आप देख सकते हो, साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ना अपना साइज आप वहां पर देख लेना क्या है, एंड उस अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट कुर्तीज मेरे पास है ना, वो मैंने कॉम्बो में लिया था, जो कि ₹371 में मुझे 3 का कॉम्बो मिला था। यस, ₹371 में मुझे 3 कुर्तीज का कॉम्बो मिला, जो कि मैंने एक्चुअली डेली वेयर के हिसाब से मैंने लिया था। सो आप देख सकते हो ये 3 कुर्तीज मेरे पास है, 371 का कॉम्बो। सो आई थिंक सो 120 के आसपास एक कुर्ती की प्राइस होगी। सो कुछ इस टाइप की ये कुर्ती है, टोटली प्लेन मीन्स सेम प्रिंट है पूरे कुर्ती में, फ्रंट में, बैक में, हैंड्स पे, सब जगह सेम ही प्रिंट है। राउंड नेक आपको मिलेगा, एल्बो लेंथ तक की आपको इसमें स्लीव्स मिलेगी, एंड इसकी जो लेंथ है, इस कुर्ती की लेंथ जो भी इंचेस में वगैरह होगी ना, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड वैसे देखा जाए तो इसकी लेंथ आपको नीज तक इजीली आ जाएगी इसकी लेंथ। सो कुछ इस टाइप का इसका प्रिंट भी आप देख सकते हो, मल्टी कलर में, बेस कलर इसका येल्लो है, एंड इसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो कुछ मल्टी कलर में आप बोल सकते हो। सो डेली वेयर के हिसाब से काफी अच्छी कुर्ती है। इसका जो मटेरियल है वो क्रेप मटेरियल है, सो अगेन क्रेप मटेरियल है। आपको आई डोंट थिंक सो समर्स में ये किल करता है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद वेयर करती हूँ क्रेप इस मटेरियल की कुर्तीज, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है, एंड इजी टू ड्राई, इजी टू वॉश, सब चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये कुर्तीज। सो हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप डेली वेयर के लिए काफी अच्छी कुर्तीज देख रहे हो, तो फिर आप इस कुर्ती को, मतलब इस कॉम्बो को, या फिर इस टाइप के और भी काफी कॉम्बोज आपको मिल जाएंगे मीशो पे, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। एंड नॉट ओनली डेली वेयर, अगर आप इसको प्रॉपर लेगिंग्स के साथ या फिर प्रॉपर पटियाला पैंट के साथ अगर आप इसको ना मैचअप करोगे ना, तो फिर ये अच्छा वाला लुक, मीन्स जो रिच लुक बोलते हैं ना, उस टाइप का लुक भी आपको निकाल के दे सकती है ये कुर्ती, डिपेंड्स आप कैसे वेयर करते हो। सो जो सेकेंड कुर्ती मेरे पास है इसी कॉम्बो में से, वो है ये वाली कुर्ती। आप इसका प्रिंट देख सकते हो कैसा है। सो इसकी भी सेम स्लीव्स एल्बो लेंथ तक की है, पूरा प्रिंट मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी कुर्ती फ्रंट एंड बैक
दोनों जगह से ये कुर्ती सेम है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगेन मटेरियल इसका क्रेप है, हाईली रेकमेंड करूंगी, अगेन बोल रही हूँ, अगर आपको डेली वेयर के हिसाब से चाहिए तो। एंड जो थर्ड कुर्ती मेरे पास है वो है कुछ इस टाइप की, बेस कलर इसका ना पूरा डार्क ग्रीन कलर है, प्रिंट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। एंड एक्चुअली ना वेयर करने पे अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये प्रिंट ऐसा है वैसा है, क्योंकि मुझे भी वैसा लगा था जब मुझे रिसीव हुई थी ना, कि मैंने सोचा यार मैं जब शॉपिंग कर रही थी इन चीजों की तब मेरा ध्यान कहाँ था, आई डोंट नो। सो ऐसा मुझे लगा ये कुर्ती मुझे रिसीव होने के बाद में, बट जब मैंने इसको वेयर करके देखा बहुत ही अच्छा लुक इसका निकल के आया। इसको ना येलो कलर की लेगिंग्स के साथ काफी अच्छी तरीके से पेयर कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप की ये कुर्ती है, अगेन फ्रंट बैक सेम बट लुक काफी अच्छा आपको निकल के आएगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए, फालतू की बातें ज्यादा ना करते हुए, इस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो मेन तो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे लाइक करके एक आप बता सकते हो, दूसरा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा जो भी पॉइंट्स कम थे वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम कवर कर लूंगी। एंड जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।